जशपुर के पूर्व माध्यमिक शाला काडरो में शराबी शिक्षक की नौटंकी का मामला सामने आया है। यहाँ पे स्कूल में तैनात शिक्षक सुरेंद्र कुमार मुंजनी शराब के नशे में स्कूल पहुंच गया और शराब नशे में धुत पड़े शिक्षक को ग्रामीणों ने कंधे के सहारे स्कूल में पहुंचाया। बताया जाता है कि शिक्षक स्कूल आने के बाद एक पीरियड पढ़ाने के बाद स्कूल से बाहर निकलकर गांव में ही उत्पात मचाना उसने शुरू कर दिया था। शिक्षक ने इतनी पी रखी थी कि वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहा था। ग्रामीणों के लाख समझाइश के बाद भी नशेड़ी शिक्षक अपने घर या फिर स्कूल जाने को तैयार नहीं था, जिसके बाद से ग्रामीणों ने उसे पकड़कर किसी तरीके से स्कूल पहुँचाया तो जनाब स्कूल के बरामदा में ही झेपने लगे और नशे में धुत शिक्षक को देखकर स्कूल के बच्चे सहमे सहमे से दिखे। तो वहीं स्कूल में मौजूद प्रधान पाठक ने भी बताया कि रोजी शराब के नशे में स्कूल आता है, समझाइश के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो उधर पत्थलगांव विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद पैकरा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आते हैं शराब पी के, हम लोग को मारते भी हैं पढ़ाते समय और सेंट को लगाते हैं। और एक दिन मैं बोला सेंट सेंट महक रहा सर बोल के बोला तो अगर हाँ तेरे को सेंट सेंट महकता है बोले फिर मारे मेरे को, उसको रिटायर ही कर देना चाहिए। मेरे को उसके बारे में पता नहीं सर। जैसे अक्सर वो शराब पी के आते हैं, इनके बारे में शिकायत तो पिछले साल भर से चल रहा है और हम लोग भी अपने तरफ से वो जब जब इस स्थिति में आया मैं भी उसका विरोध किया हूँ, पर उनके द्वारा अभी तक सुधार का लक्षण तो नहीं दिख रहा है। सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या चाहते हैं करवाइए? सुधार होना चाहिए सर। एक शिक्षक को इतने 137 बच्चे हैं मेरे, इतने बच्चों के सामने में पी करके लड़खड़ाते हम लोग इस सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं सर, तो हम लोग खुद खराब लगता है कि एक शिक्षक समाज का होते हुए इस तरह से बिहेव कर रहा है। सुरेंद्र कुमार मुंजनी शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला काडरो में कार्यरत है। आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया कि वो शराब पी के अक्सर आता है और विद्यालय में इधर उधर घूमते रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कराता है। जांच करा के तत्काल उसका कार्रवाई के लिए जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। शराबी शिक्षकों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए जिला कलेक्टर और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण लगाकर इनको व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनके प्रयास के बावजूद भी उनके मसूबे पर पानी फेर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो टीचर है जो शराब के नशे में धुत है और इतने शराब पी रखे हैं कि इनको होश नहीं है कि ये कहाँ बैठे हैं। ये अभी शराब के नशे में धुत होकर आए हैं स्कूल में और बच्चे ने बताया कि यहाँ लगातार इनके साथ मारपीट करते हैं और शराब के नशे में धुत होकर आते हैं और रोजाना इनका जो आदत में कोई व्यवहार नहीं आया, बदलाव नहीं आ रहा है। और ये जो टीचर है लगातार शराब के नशे में धुत आते हैं और इतना ही नहीं ये शराब के नशे में धुत होकर अपने बच्चे के साथ भी मारपीट करते हैं। अब देखने वाली बात होगी इस तरीके के टीचर पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। NDTV के लिए जसपुर से अभिषेक शुक्ला।